इसमें बोला गया है, स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, सम एस्ट्रो आर बैंग, नो बैंग इज कॉप एंड ऑल कॉप आर डेविल्स। फिर कुछ कंक्लूजन्स पूछे हैं आपसे। कंक्लूजन से आपके, ऑल डेविल कैन नेवर बी एस्ट्रो, सम एस्ट्रो कैन नेवर बी डेविल और सम कॉप्स कैन नेवर बी एस्ट्रो। जैसा कि बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑल प्लस कैन नेवर और आपका सम प्लस कैन नेवर की बात करने वाला हूँ। एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इन सब में दिक्कत होती है कि आप सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि सर ये जो कैन प्लस नेवर है, कैन नेवर, क्या ये पॉसिबिलिटी है और क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब डेफिनेट है। तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के पर्पज़ से मैंने आपको वीडियो जनरेट किया है, राइट। चल तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या कि जो बच्चों आपको कैन प्लस नेवर है, जो आपको कैन नेवर दे रखा होता है, कैन नेवर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होता। पहले तो ये चीज़ समझ जाइए। क्यों? देखो बच्चों, कैन के साथ अगर आपको सिंपली कैन, यहाँ से नेवर हाइड कर दूँ मैं, यहाँ क्या कर दूँ, नेवर हाइड कर दूँ, तो क्या होगा? नेवर हाइड करने पर होगा ये कि हमारे पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस बन जाएगा, यानी बन जाएगा ऑल डेविल कैन बी एस्ट्रो, इस नाउ इट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोर्स करके कह रहे हैं, यानी देखिए, एक तो होता है पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि आप पीओ बन सकते हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी, आपको नहीं पता क्योंकि आपको आगे का फ्यूचर नहीं पता, है ना। और एक दूसरा बोला गया है आप पीओ नहीं बन सकते हैं, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मैं सेंटेंस आपसे कहता हूं कि आप पीओ बन ही नहीं सकते, बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पीओ बन ही नहीं सकते, इसका साफ सा मतलब है कि मैं फोर्स करके किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फोर्स कर रहा हूं, है ना, उसको डिलीवर कर रहा हूं, कैसे, फोर्स करके, राइट। तो इन चीजों को अब आपको ओवरकम करना है, इन चीजों को अच्छे तरीके से समझना है। पहले तो ये चीज के कैन प्लस नेवर, यानी कैन नेवर अगर आता है तो कैन नेवर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इस आप इसे नया नाम दे सकते हैं पॉसिबिलिटी का, डेफिनेट मतलब पॉसिबिलिटी में डेफिनेट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को। सो वो चीज़ें, यानी कि पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आपका जो कैन प्लस नेवर है ये क्या नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं होता। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। पहले तो ये है कि एक बेसिक तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक तरीके से इसको कैसे डिस्कस किया जाता है या कैसे टैकल किया जाता है, राइट। चलिए पहले मैं स्टेटमेंट बना देता हूँ, स्टेटमेंट के बिहार पर हम चीज़ों को देखेंगे। आपको बोला गया है सम एस्ट्रो आर बैंक, यानी आपने क्या किया, सम एस्ट्रो यहाँ रखा, सम एस्ट्रो, अब ए बी सी डी में मिल सकते हैं हमें, तो हमने ए बी सी डी को इसको यूज़ कर लिया, सम एस्ट्रो आर बैंक, राइट। सो हियर आई पुट, चले मैं लिख देता हूँ पूरा, यहाँ एस्ट्रो है, सम एस्ट्रो आर बैंक, बोला गया है नो बैंक इज कॉप, कोई बैंक कॉप नहीं है, तो हमने यहाँ पर कॉप रख दिया, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट उन्होंने बोला है, क्या है अगला स्टेटमेंट, ऑल कॉप्स आर डेविल्स, तो आ गया ऑल कॉप्स आर डेविल्स, ओके। चले अब पहला कंक्लूजन है ऑल डेविल कैन नेवर बी एस्ट्रो। तो बच्चों इसको ना ऐसे पढ़ोगे तो शायद दिक्कत होगी, अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। आप मुझे जरा ये बताइए, इसको एक नॉर्मल भाषा में पढ़ते हैं, जैसे कि जो जिनसे हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। ये कह रहा है ऑल डेविल कैन नेवर बी एस्ट्रो, मतलब इनका कहना यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी फिगर बना लीजिए, आप इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम कोई भी बना लीजिए, लेकिन आप जो डेविल का पूरा सेक्शन है उसे किसके अंदर, आप उसे एस्ट्रो के अंदर नहीं रख सकते। यानी ऑल डेविल कैन नेवर बी एस्ट्रो, यानी कि सारा का सारा जो डेविल का पार्ट है वो कभी भी कहाँ नहीं जा सकता, एस्ट्रो के अंदर नहीं जा सकता। चलिए तो देखते हैं, डेविल का पार्ट है बच्चों ये, एस्ट्रो का पार्ट है ये, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं एस्ट्रो का रिलेशन किससे है, एस्ट्रो का रिलेशन केबल और केबल किससे है, बैंक से है। तो अगर मैं चाहूँ, देखो मुझे क्या रखना है, मुझे बस इस स्टेटमेंट को वॉलेटाइल होने से बचाना है कि देखो एस्ट्रो और बैंक में सम का सेक्शन, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको ऐसे भी बना दूं, जो आपका एस्ट्रो वाला सेक्शन है मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं। नहीं समझ आया, मैंने क्या किया, एस्ट्रो का जो मैंने ये डॉट डॉट बनाया है, अब ये इधर ना बना के, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट था, अब मैं अगर इसे इधर बना देता हूं यहां पर, तो देखो बच्चों हो क्या रहा है, अब इसमें
सम एस्ट्रो और बैंक अभी भी हैं, क्योंकि ये मैंने एस्ट्रो माना है, राइट। सम एस्ट्रो और बैंक अभी भी है, राइट। अब जब सब एस्ट्रो और बैंक है, अब यहां देखते हैं क्या ये डेविल का पूरा हिस्सा एस्ट्रो के अंदर आ गया, क्या डेविल का पूरा हिस्सा एस्ट्रो के अंदर आ गया। तो हाँ, वैसे तो नहीं था, लेकिन सर हम अगर कोशिश करें तो इसे बना सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी डायग्राम में हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम इसे बना सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि आप बना ही नहीं सकते, और हम कह रहे हैं कि हम बना सकते हैं। तो हम एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे की बात को अपोज कर रहे हैं। कैसे? वो कह रहे हैं कि आप बना ही नहीं सकते, और मैं यहाँ पर बना करके आपको दिखा दिया है। दैट मीन्स ये जो बात है, इन्होंने जो बात कही है, वो बात कैसी हो गई, गलत हो गई, राइट। तो आपका पहला कंक्लूजन कैसा हो गया, गलत हो गया। चलिए बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन के लिए। मैं इसे हटा देता हूँ, ये जो पॉसिबल डायग्राम बनाया था, इस पॉसिबल डायग्राम को अभी थोड़ा सा हटा देते हैं आप। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन नंबर सेकंड की। सेकंड कंक्लूजन में उन्होंने बोला सम एस्ट्रो कैन नेवर बी डेविल, यानी उनका कहना ये है, कंक्लूजन में आपसे ये पूछा गया है कि कुछ एस्ट्रो ऐसा है, यानी सम एस्ट्रो, कुछ एस्ट्रो ऐसे हैं जो कभी भी डेविल का हिस्सा नहीं बन सकते। आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि एस्ट्रो का कुछ सेक्शन ऐसा है जो कभी भी किसका हिस्सा नहीं हो सकते, डेविल का हिस्सा नहीं हो सकते। तो बच्चों यहाँ देखते हैं, देखिए अगर फिर से वही डेविल का है, डेविल का किस रिलेशन है, कॉप से रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि कॉप जो है किसके अंदर आना चाहिए, डेविल के अंदर आना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कॉप अभी भी डेविल के अंदर है। अच्छा बच्चों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस डेविल को यहाँ थोड़ा सा सेक्शन इसको बढ़ा दूँ, यानी पॉसिबल डायग्राम बना दूँ, तो अब क्या होगा, अब एस्ट्रो का पूरा सेक्शन कहाँ आ गया, डेविल के अंदर आ गया। देखिए डेविल को जब हमने मॉडिफाइड डायग्राम बनाया, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि अब एस्ट्रो जो है किसके अंदर आ सकता है, डेविल के अंदर आ सकता है। और ये कह रहे हैं कि डेविल, सॉरी, आपका एस्ट्रो का कुछ सेक्शन ऐसा होगा ही होगा जो किसमें नहीं आएगा, डेविल में नहीं आएगा। और हमने क्या किया है, हमने पूरा सेक्शन बना लिया है। दैट्स वाई यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि सम एस्ट्रो कैन नेवर बी डेविल, ये भी आपका कंक्लूजन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। आपका ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। बात करते हैं कंक्लूजन नंबर थर्ड के लिए। कंक्लूजन नंबर थर्ड क्या है, सम कॉप्स कैन नेवर बी एस्ट्रो, सम कॉप्स कैन नेवर बी एस्ट्रो। देखो अभी जब हमने बनाया था बच्चों, अभी हमने जब जो एक डायग्राम मैंने बनाया था एस्ट्रो को, यहाँ तक मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया था एस्ट्रो वाला जो सेक्शन है, ये एस्ट्रो का सेक्शन बना दिया था बड़ा वाला। जब एस्ट्रो का सेक्शन बनाया था तो उसमें कॉप्स के सारे पॉइंट आ गए थे, यानी कि पूरा का पूरा कॉप्स एस्ट्रो के अंदर आ गया था। जब पूरा का पूरा कॉप्स एस्ट्रो के अंदर आ जाएगा, तो आपका ये कहना कि सम कॉप्स कैन नेवर बी एस्ट्रो, यानी कि कॉप्स का कुछ सेक्शन ऐसा होगा जो कभी भी क्या नहीं बन सकता, कभी भी एस्ट्रो नहीं बन सकता, तो ये कहना गलत हो गया, क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पूरा का पूरा सेक्शन दिख रहा है, राइट। तो यानी ये भी आपका क्या हो गया, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, राइट। अभी बच्चों देखो दिक्कत कहाँ होगी, अगर मैं क्या पूछता हूँ और तब ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। मतलब आई मीन जो आपको जो पॉइंट अभी यहाँ आप करेक्ट करने के मूड में होंगे कि कहाँ पर सर इन्हें करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो मैं अभी इसको फिर से बना देता हूँ फिगर। अगर आपसे हमने बोला था, आपको स्टार्टिंग में बोला था सम एस्ट्रो आर बैंक, ये हमने बनाया था सम एस्ट्रो आर बैंक। फिर बोला था नो एस्ट्रो इज कॉप्स, और फिर था ऑल कॉप्स आर डेविल्स, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपसे कंक्लूजन पूछता हूँ, जिस कंक्लूजन की आप तलाश कर रहे हैं कि कब ये सही होगा, उस कंक्लूजन को हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन से कंक्लूजन ऑल प्लस सम कैन नेवर के लिए सही होंगे। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों ऑल एस्ट्रो कैन नेवर बी कॉप्स, अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछता हूँ ऑल एस्ट्रो कैन नेवर बी कॉप्स, देखिए चलो पहले चेक कर लेते हैं, मैं सही या गलत का फैसला भी नहीं कर रहा हूँ, आप खुद फैसला करेंगे। मैंने कहा ऑल एस्ट्रो कैन नेवर बी कॉप्स, मेरा कहना यह है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, एस्ट्रो का पूरा सेक्शन आप किसके अंदर नहीं ला सकते, कॉप्स के अंदर नहीं ला सकते। चलिए चेकआउट करते हैं, और हम देखो फिगर के थ्रू ऐसा ही देख पा रहे हैं कि एस्ट्रो का ये जो सेक्शन है जो बैंक के अंदर आ रहा है, ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन पर फोकस करिए, ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो ये सेक्शन बैंक के अंदर आ रहा है, राइट। इतना भाई देखो स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, सम एस्ट्रो और बैंक, क्लियर। तो सम एस्ट्रो और बैंक यानी कि ये तो कंफर्म है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि बैंक का और एस्ट्रो का कुछ हिस्सा क्या करेगा,
आपस में ओवरलैप करेगा। अब कुछ हिस्सा ओवरलैप करेगा तो उस दौरान चीज़ों को समझना है कि बैंक का और कॉर्प्स का क्या रिलेशन है। इनका आपस में कोई भी हिस्सा एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैसे हैं, डायरेक्ट लाइन से कनेक्टेड हैं, मतलब इनके बीच में नो करलेशन बोला गया है। जब इनके बीच में नो करलेशन बोला गया है तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा, ये जो मैंने ब्लैक पोर्शन किया है, ये जो ब्लैक सेक्शन है, ये कभी भी कॉर्प्स के अंदर नहीं जा पाएगा। जब ये कॉर्प्स के अंदर नहीं जा पाएगा तो ये भी फिक्स हो गया कि एस्ट्रो का कुछ हिस्सा, यानी कि जो मैंने ब्लैक किया है, एस्ट्रो का कुछ हिस्सा क्या है, कॉर्प्स के अंदर नहीं जा सकता। और जब कॉर्प्स के अंदर नहीं जा सकता तो वही तो वो कह रहे हैं कि एस्ट्रो का पूरा हिस्सा आप कॉर्प्स के अंदर नहीं रख सकते। और हम भी यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ सेक्शन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, जो बैंक के बैंक में क्या हो रहा होगा, जो ओवरलैप कर रहा होगा, वो हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, कॉर्प्स नहीं हो सकता। सो ये वाला कंक्लूजन आपका करेक्ट था, यानी ऑल एस्ट्रो कैन नेवर बी कॉर्प्स, ये कैसा था, करेक्ट आ रहा था, राइट। चलिए एक और कंक्लूजन पिक करते हैं, कंक्लूजन देखते हैं कौन सा, जरा इस कंक्लूजन पर फोकस करिएगा। सम एस्ट्रो कैन नेवर बी कॉर्प्स, हैव अ लुक ऑन दिस, थोड़ा क्रॉप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चले। सम एस्ट्रो कैन नेवर बी कॉर्प्स, क्लियर, हैव अ लुक ऑन दैट। अब यहां कह रहे हैं कि कुछ एस्ट्रो ऐसे हैं जो कभी भी क्या नहीं हो सकते, कॉर्प्स नहीं हो सकते। और हाँ, अभी तो हमने यही चर्चा की है, अभी भी तो लास्ट में यही चर्चा की है कि एस्ट्रो का कुछ सेक्शन तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा जो क्या होगा, जो क्या होगा, कॉर्प्स के अंदर नहीं जा सकता। और जब कॉर्प्स के अंदर नहीं जा सकता तो ये क्या है, बिल्कुल बात आपकी सही है, ये भी सही कह रहे हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, एस्ट्रो का पूरा सेक्शन आप किसके अंदर नहीं ले जा सकते, कॉर्प्स के अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये आपका कंक्लूजन कैसा हो गया, करेक्ट हो गया बच्चों। एक और कंक्लूजन पिक करते हैं, एक कंक्लूजन लेते हैं, सम कॉर्प्स कैन नेवर बी बैंक, अब लुक ऑन दैट, सम कॉर्प्स कैन नेवर बी बैंक। अब इस कंक्लूजन के बारे में आप पहले अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन क्या आने वाला है। देखिए, सम कॉर्प्स कैन नेवर बी बैंक, मैंने एक ही क्वेश्चन पर मॉडिफाइड तरीके से बार बार उन चीज़ों को यूज करा दिया सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। सम कॉर्प्स कैन नेवर बी बैंक, चलिए बात करते हैं। देखिए, कॉर्प्स ये है, बैंक ये है ना, और ये यहाँ पर रिलेशन कैसा है, नो करलेशन है, मतलब कोई भी कॉर्प्स कभी भी क्या नहीं है, बैंक नहीं है, स्टेटमेंट में बोला गया। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ नॉर्मल तरीके से देखता हूँ तो ये तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि कुछ ये जो है, जो कुछ सेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा कॉर्प्स कहाँ नहीं आ सकता, बैंक के अंदर नहीं आ सकता। और ये कह रहे हैं कि कुछ सेक्शन बैंक के अंदर नहीं आ सकता, मैं कह रहा हूँ पूरा नहीं आ सकता। आप सिर्फ थोड़े के लिए मत बोलिए, मैं तो पूरे के लिए कह रहा हूँ। तो पूरा, जब पूरा हिस्सा नहीं आ सकता, यानी कि सीधी सी बात है कि छोटा सा भी हिस्सा उसका, उस जो कॉर्प्स का हिस्सा है, वो बैंक के अंदर नहीं आ सकता, राइट। एक और कंक्लूजन पिक करते हैं, सम डेविल्स कैन नेवर बी बैंक, चल, सम डेविल्स कैन नेवर बी बैंक। अब इसको कंक्लूजन को चेकआउट करते हैं। सम किसके लिए, डेविल्स के लिए, यानी कि डेविल का इनका कहना, वही जो लाइन हम पहले स्टार्टिंग से बोलते चले आ रहे हैं कि डेविल का कुछ हिस्सा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप बैंक के अंदर नहीं जाएगा। डेविल का कुछ हिस्सा आपको मजबूरन, ये फोर्सफुली है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन डेविल का कुछ हिस्सा क्या होगा, वो बैंक के अंदर नहीं जाएगा। अब चलिए जरा फोकस करते हैं रिलेशंस के ऊपर। बच्चों देखो, साफ साफ दे रखा है कि डेविल्स का कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ हिस्सा कॉप में भी क्या है, आ रहा है यहाँ, ये जो मैंने शेडो कर दिया है, राइट। अब जरा इसको देखो, ये इतना हिस्सा चाहे कुछ भी हो जाए, डेविल्स के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट बोला गया है ऑल कॉप्स आर डेविल, तो ये हिस्सा इसके अंदर ही रहेगा। और ये हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, बैंग नहीं हो सकता। देखो, ये जो इतना हिस्सा है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, बैंग नहीं हो सकता। तो साफ सी बात है, डेविल का कुछ हिस्सा क्या नहीं हो सकता, बैंग नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इतना हिस्सा जो कॉप्स का होगा, वो कभी भी बैंग के अंदर आ ही नहीं सकता।
एस्ट्रो के अंदर तो आ सकता है लेकिन बैंक के अंदर नहीं आ सकता, तो क्या हो गया, ये कंक्लूजन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं, यही बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको पूछ करके आपसे कंक्लूजन डिमांड किया जाता है। ठीक है, चलो।